रायबरेली में आज़ादी के अमृतकाल के महोत्सव कार्यक्रम के तहत चल रहे मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में रायबरेली जनपद के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत व सभी ब्लॉकों के प्रतिनिधि कलश में मिट्टी लेकर शहीद स्मारक पहुंचे। इस दौरान मिट्टी के भरे हुए कलशों को सुंदर तरीके से सजाया गया। शहीद स्मारक पर देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूरे जिले से छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति पेश की। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आज हम सभी यहाँ पर शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम और उसकी जो विभिन्न गतिविधियाँ आप लोग जनपद में निरंतर देख रहे हैं, उन्हीं का आज जनपद स्तर का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे समस्त नगर पालिकाओं से, नगर पंचायतों से और साथ ही साथ समस्त ब्लॉकों से जो हमारे मिट्टी कलश हैं जिनको यहाँ लाया जाना था, आज उसका कार्यक्रम संपूर्ण किया गया है। यहाँ करीब 28 कलश आप लोग देख सकते हैं आ गए हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से यहाँ पर आज मेरी माटी मेरा देश का जो मुख्य रूप से संदेश है और जो हम लोगों को इसको उत्सव की तरह मनाना है वह कार्यक्रम किया गया है। आज हम शहीद स्मारक पर हमने माल्यार्पण भी किया है और हमारे जितने भी वीर शहीद हैं उन सभी को नमन और उनका वंदन किया गया है। कलश आने भी शेष हैं या भी कंप्लीट हो गए? आप देख सकते हैं कि हमें समस्त ब्लॉक और समस्त नगर निकायों से उनको लाना था, तो वर्तमान में हमारे 28 कलश आ चुके हैं और ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आगे क्या प्रक्रिया होगी, कलश रखे जाएंगे या? देखिए, इसके आगे हमारे जनपद स्तर से वॉलंटियर्स को भी नामित किया है और हमारे सारे कलश जो हैं उनको हम लोग लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर जिस कार्यक्रम को इसको कल संपन्न किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।